दिवाली की सफाई चली। एक अमीर घर की महिला ने अपने किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले, पुराने डिब्बे, डोंगे, कटोरियां, प्याले और थालियां वगैरह, सब कुछ काफी पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने कोने में रख दिए और नए लाए हुए बर्तन लाइन से रखकर सजा दिए। बड़ा ही लाजवाब लग रहा था अब किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। इतने में उस महिला की कामवाली आ गई। दुपट्टा खोंसकर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देने हैं। कामवाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर बोली, मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो एक पतीला मैं ले लूं। साथ ही साथ में उसकी आंखों के सामने घर में पड़ा हुआ उसका खराब टूटा फूटा एक लौता पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तो वो सब कुछ ले जा, उतनी भीड़ कम होगी। काम वाली की आंखें फैल गई, बोली, क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा की गुफा ही मिल गई थी। फिर उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकली। आज तो जैसे उसे चार पांव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ नया खजाना ठीक से जमा दिया। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना पूरा लग्जरी से भरा दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से ही बोली, अब ये टूटा फूटा सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथ जोड़े खड़ा था, माँ पानी दे दो। काम वाली उसके हाथों में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापिस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मैं रख लूं अपने पास? काम वाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसे जो कुछ भी भंगार लगा वो सब उसने भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी बहुत खुश हो गया। जो कभी जमीन पर अखबार रख के मैले हाथों से खाना खाता था, उसके पास आज टेढ़ी मेढ़ी चम्मच और एक मुड़ा हुआ पतीला था। आज उसकी फटी झोली लग्जरी दिख रही थी। लग्जरी क्या है, सुख किस में है, ये हर किसी की परिस्थिति पर निर्भर होता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति उन सबसे तो अच्छी है, जबकि हम लोग हमेशा अपने से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। अजीब है ये जिंदगानी भी। कोई तो सोच रहा है धनतेरस पर कितना सोना खरीदना है और कोई सोच रहा है सर्दियां आ गई कहां सोना है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।